दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में घटने वाली कोई भी घटना पूरे देश के लिए सुर्खी बन जाती है। इस समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति को लेकर, शराब की दुकानों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का india.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्या है आबकारी नीति जिसे दिल्ली सरकार ने लागू किया और कौन कौन सी गलतियां आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से की गई हैं या हुई हैं या जिन गलतियों के आरोप बीजेपी की तरफ से और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से आम आदमी पार्टी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शराब को अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया बना लिया, लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले का कई सिरे से विरोध भी हो रहा है। दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की तो स्थानीय तौर पर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि कई दुकानें ऐसी जगहों पर खुली जो रिहायशी इलाकों में थी। लेकिन इस विवाद में नया मोड़ अब आया है, क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई आबकारी नीति पर जो रिपोर्ट सौंपी है उसके आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि आबकारी नीति तैयार करने और इसे लागू करने में नियमों को अनदेखा किया गया। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GBCTD अधिनियम 1991 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन किया है। अब जानते हैं नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार के तर्क क्या है। दिल्ली सरकार का कहना था कि शराब बेचने का काम सरकार नहीं करेगी, बल्कि पूरी तरह से इसे निजी हाथों में दिया जाएगा, जो कि हो गया है। इसमें रेवेन्यू के दो मॉडल थे, पहला शराब की नई दुकानों के आवंटन का और दूसरा शराब की बिक्री को फ्री हैंड देने से बढ़ी बिक्री और टैक्स ज्यादा जनरेट होने का। आवंटन में सरकार ने जो बेस प्राइस रखा था उससे 26% ज्यादा 8,900 करोड़ रुपए हासिल हुए। साथ ही बिक्री भी बढ़ी है, इससे भी टैक्स ज्यादा आने लगा है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार के इन तर्कों को सही मान भी लें तो प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर किए गए इस सुधार में केजरीवाल सरकार खुद ही घिर गई है। अभी जांच होनी है और इस पर चर्चा होनी है, उपराज्यपाल का फैसला आना है और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमले कर रही है कि केंद्र की बीजेपी सरकार उन पर उनको घेरने की कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा india.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।